एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही बहुत रिच है, बहुत पैसे हैं उसके पास, लेकिन बहुत ही शातिर इंसान है वो। उसको ठगना बड़ा मुश्किल है, और एक नया पैसा भी अगर किसी ने ठगा तो समझ लीजिएगा क्या होगा, है ना, वो उसका खून कर देगा। इस प्रकार का इंसान है, और मुझे बड़ा मज़ा आया एक किरदार पेश करने में, चूँकि हमने उसको लास्ट तक शातिर ही रखा। ऐसा नहीं कि पहले सीन के बाद शातिर दिखाने के बाद दूसरे सीन में उल्लू का भट्टा बन गया, ऐसा नहीं है। तो वो काफ़ी कुछ हमने उसको बरकरार रखा है, और ये पहली बार मैं इमरान इमरान हाशमी फिल्म कर रहा हूँ, तो मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि सेंसिबिलिटीज बड़े सही हैं, कहीं भी ऐसी मतलब फ्रिवलेस बातें नहीं हैं, बहुत ओछी चीज़ें नहीं हैं, और एक कहानी के साथ जुड़कर इन्होंने फिल्म बनाई। शातिर की बात की तो पहले मूवी का नाम शातिर था, फिर ये राजा नटरवाल हो गया। जैसे आपने कहा कि लास्ट तो शातिर रहता है, तो ये कनेक्शन हमेशा जुड़ा रहा है कि सिर्फ टाइटल चेंज हो गया? अब शेक्सपियर ने कहा ही है ना कि व्हाट्स इन अ नेम, चलता है जो फेमस होता है वो नाम, है ना। तो मेरे ख्याल से नाम के प्रति आपको उतना संजीदा नहीं होना चाहिए। राजा नटवरलाल और भी इम्प्रेसिव नाम है मेरे ख्याल से, है ना, शातिर क्वालिटी होती है। नटवरलाल जो है वो एक थोड़ा, हाँ, नटखट सा अलग फीलिंग है। How do you define an award Natwarlal in your words? नटवरलाल ऑब्वियसली हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, है ना, तो वो हमारा संबंध है नटवरलाल से, तो बड़े दिल के करीब है वो किरदार। अब ये मौका मिल रहा है कि ऐसी कोई फिल्म हम कर रहे हैं जहाँ पे बचपन में हमने कुछ देखा था, और अब उसके एक अलग रूप हमको देखने को मिल रहा है, तो इसमें मज़ा आ रहा है। एंड आई थिंक ऐसी फिल्में मैं करता रहूँगा। ठीक है सर, जैसे आपने अभी कहा कि नटवरलाल का अगर जिक्र रहा तो बच्चन साहब की याद कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है, तो उस चीज़ से कितना ये किरदार मेल खाता है या कहीं ना कहीं कितना अलग है आपको लगता है, और आपकी जो भूमिका रहेगी इसमें कितनी इम्पोर्टेंस है? मैं ऐसी कोई भूमिका नहीं करता हूँ जहाँ पे मेरी इम्पोर्टेंस ना हो, पहली बार। जी बताओ। हाँ, और दूसरी ऐसे है कि जहाँ तक नटवरलाल का सवाल है, एक नाम के अलग अलग इंसान हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक अलग इंसान को पेश किया गया, उस ज़माने में एक अलग इंसान था, तो बिल्कुल ही भिन्न है दोनों दोनों, तो इसमें कोई सिमिलरिटी वगैरह नहीं है, कोई नहीं। और जहाँ तक मेरे किरदार का सवाल है, जी हाँ, ऐसे किरदार आपको पहले भी देखने को मिले होंगे, लेकिन हमने कोशिश की कि उसको एक इंसान के रूप में पेश किया जाए, ना कि कटआउट विलन जो उसको बोलते हैं, वैसा नहीं। तो इसमें भरपूर ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और उसको हमने कोशिश की है पेश करने की। आपको स्क्रिप्ट में ऐसा क्या अलग लगा जो आपने मिस किया? यार, स्क्रिप्ट में अलग ये लगा कि वो पिंक पेपर पे था, पता है, वो अलग, मुझे नॉर्मली वाइट शीट पे मिलता है स्क्रिप्ट, तो इस बार पिंक पेपर पे दिया उन्होंने, तो मुझे अलग लगा स्क्रिप्ट। ऐसा है ना कि स्क्रिप्ट में क्या अलग लगा ये बयां करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसको आप ऑब्जेक्टिवली देख नहीं सकते। जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें आपको भा जाती हैं, वो क्या चीज़ें हैं वो प्यार की तरह है, आपका कारण नहीं ढूंढ सकते। तो उसी तरह से आप जब कुछ पढ़ते हो तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हो उस चीज़ को। मैं आइडियलिज्म में बिलीव नहीं करता, मैं ये बिलीव नहीं करता कि अरे मैं तो ऐसा हूँ तो मैं वो छूंगा नहीं, ऐसा नहीं है मेरे अंदर। मैं कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ, हर चीज़ का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप उस चीज़ को देखते हो, आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, और क्यों अच्छी लगती है वो आप खुद को बयान करना बड़ा मुश्किल है, तो आप उस चीज़ को अटेंड कर लेते हो। तो मेरा भी वही प्रोसेस रहा। और किरदार भी ऐसे हैं कि लोग बोलते हैं हम किरदार नहीं चुनते हैं, किरदार हमें चुनता है। वो कहता है कि भैया हमको प्ले करो, हमको निभाओ, तो हम अपना सारा ईगो डिसॉल्व करके, उसको निकाल के घर पे रख करके एक्टिंग की शुरुआत करते हैं, उस किरदार को निभाते हैं, ना कि हमारे ईगो को हम कुछ 3 गुना बढ़ा करके उसको एक्टिंग कहें स्क्रीन पे।
हमें कोशिश करते हैं कि उसको सरेंडर करके उस चीज़ को निभाएं। कभी ऐसा लगता है कि लाइक अब देखिए नेचुरल जो चीज़ है ना वो कोई वो मुश्किल चीज़ नहीं है, एट द सेम टाइम वो मुश्किल चीज़ है भी। ऐसा है ना कि जब आपको सरेंडर की प्रैक्टिस हो, अपने अहंकार को सरेंडर करने का एक प्रैक्टिस होता है, अगर उसको अगर प्रैक्टिस करते रहो तो आप ऑटोमेटिकली आप इंसान को प्ले करोगे, ना कि अपने ईगो को, अपने अहंकार को। अक्सर क्या होता है, वही मैंने जैसे मैं पहले कहा था कि अपने खुद के अहंकार को अगर आपने ट्रिपल कर दिया या चार गुना कर दिया और उसको पेश किया तो लोग उसको एक्टिंग मानते हैं, मैं उसको नहीं मानता। मेरा ये है कि आप जितना ज़ीरो हो सकते हो उतना उस किरदार को अच्छे तरह से निभा पाओगे। कभी किसी रियल नटवरलाल से पाला पड़ा है? यार गनीमत है कि रियल नटवरलाल से मैं पाला कभी नहीं पड़ा। और ऐसा है कि पहले के ज़माने में उतने कुछ हमारे पास नगद नारायण नहीं था, तो किसी को रुचि भी नहीं थी कि हमें कोई ठगे, है ना। तो अब खैर लोग मुझे बड़े इज्जत से देखते हैं तो कोई ठगने का प्रश्न नहीं। ऐसा कुछ वाकया याद नहीं मुझे जहाँ पे किसी ने ठगा हो या मैं किसी को ठग, मैं क्यों ठगूंगा किसी को, नहीं ठगा। तो आपकी इच्छा नहीं कभी नटवरलाल बनने की? रियल लाइफ में क्यों नटवरलाल बनूंगा भैया, मैं कोई जेल जाना है क्या? मैं तो बस ठीक ठाक हूँ, मैं ऐसा कुछ ऐसी कोई गलत फहमी नहीं रखता हूँ अपने बारे में। इमरान और परेश का जो है, देखिए परेश जी इस फिल्म में नटवरलाल की गुरु हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या है ना। तो और वो आप जानते हैं इस देश के सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टर्स हमारे देश के, तो उन्होंने बहुत ही एक ह्यूमरस लेवल पे उसको एट द सेम टाइम संजीदगी भी है अच्छे से निभाया। और इमरान जो है बहुत ही कूल आदमी, मतलब वो टेंशन नहीं लेता है और बहुत ही प्रिपेयर्ड होके आता है सेट पे, सारे सीन्स प्रिपेयर करके आया था और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो काम करता है। तो जो भी उसने साथ में हमने सीन्स किए हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार एक बंदा है जो बहुत ही शिद्दत से काम कर रहा है और उसका नतीजा निकलना। तो ऐसे ही नहीं बना है वो इमरान हाशमी, इसमें इसके पीछे बहुत सारा मेहनत और बहुत सारी सिंसियरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तीनों में सबसे बड़ा शातिर कौन है आपके हिसाब से? देखो फिल्म में ऐसा है ना कि एक सबसे बड़ा शातिर को मात देने की कोशिश है, तो जाहिर सी बात है कि हमें नहीं नहीं प्लॉट वो कोई किसी और फिल्म से सेम, देखिए प्लॉट पॉइंट प्लॉट आपको कितने प्लॉट्स तो नॉर्मली सेम होते ही हैं, आपको कहने का नज़रिया अलग होता है ना। कहानियाँ कितनी होती है, एक कल्लू टू काली वाली कहानी होती है जहाँ पे पहले आप कल्लू होते हो बाद में आप कालिया बन जाते हो, इसको है ना। तो आप जीरो टू हीरो बोलिए या कल्लू टू कालिया बोलिए, ऐसा हर फिल्म में वही होता है, चाहे वो अंग्रेजी हो यहाँ का, कुछ होता है कि प्यार वाली फिल्में होती है। तो ऐसे कुछ चंद 10-15 कॉन्सेप्ट्स हैं उसी पे फिल्में बनती हैं। आपका कहने का अंदाज अलग अलग होता है हर डायरेक्टर का, उससे कहानियाँ अलग अलग लगती हैं। तो उसी प्रकार से इसका कोई मतलब किसी और फिल्म से उस प्रकार से लेना देना नहीं है, इतना ही है कि उसका कहने का अंदाज अलग है कम्प्लीटली, तो इसलिए अलग फिल्म। Back to back, your films are going to release, and Nepal, then the Haider. So, which one is the more important for you, or whom do you feel that fitted on? Though again, मैं ये कह रहा हूँ कि नटवरलाल हैं पहले, हैदर है, उसके साथ वो चक्के हैं, मनोज के साथ में काम कर रहा हूँ मनोज में, और फिर बॉम्बे वेलवेट। अब ये चारों के चारों फिल्में जो हैं ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट वाली फिल्में हैं, अलग अलग इसका जो संदर्भ है वो अलग अलग है। तो ये अलग अलग फिल्में हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न भांति की टाइप की फिल्में हैं, तो आप उसको जज नहीं कर कंपेयर नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये फिल्म का ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और चारों मुझे खुशी इस बात की कि चारों फिल्मों का संदर्भ अलग है, किरदार अलग हैं और
जो इंसान मैं प्ले कर रहा हूँ हर एक में वो अलग अलग हैं,